आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसपी भावना गुप्ता अपनी टीम के साथ नगर के विभिन्न स्थानों में जाकर लोगों से मतदान करने की अपील की, साथ ही लोगों के प्रलोभन में भी नहीं आने और निष्पक्ष मतदान करने की अपील की है। एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होते ही पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, जिले की सीमाओं में चेक पोस्ट लगाया गया है। चुनावी घोषणा होने के बाद और एमसीसी लगने के बाद लगातार सभी यूनिट्स को विजिबल पुलिसिंग के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, सभी हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट लगाए गए हैं। इसी तारतम्य में पूरे शहर और ग्रामीण इलाके में भी फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए गए हैं। आज उसी तारतम्य में बेमित्रा शहर का ऑन फुट यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है। लोगों को बिना भय के, बिना किसी प्रलोभन के मतदान देने के लिए भी प्रेरित किया गया है। अगर कोई सूचना है, कोई संदिग्ध मूवमेंट है, उसके विषय में पुलिस प्रशासन के साथ सीधा संपर्क करने के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पे जो अभी बस स्टैंड पे हम पहुँचे हैं और जितने यहाँ पे ड्राइवर्स, खलासी और सभी लोग हैं, उनको भी समझाइश दी गई है कि बसेस के माध्यम से अगर कोई संदेहजनक वस्तु उनको दिखाई देती है तो इमीडिएटली पुलिस विभाग को बताएं, अदरवाइज उनके ऊपर भी उसमें कार्रवाई हो सकती है। और अपेक्षा की जाती है कि सभी नागरिक वृंद पुलिस के साथ में और प्रशासन के साथ में चलते हुए, सूचना देते हुए यहाँ पे एक निर्भीक वातावरण जो है कार्यरत रहेगा।